नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। ईदगाह में नहीं होगी नमाज। डीएसपी बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बंसीधर नगर थाना परिसर में बुधवार की शाम ईद उल अजहा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी अजीत कुमार ने किया। बैठक में मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ईदगाह और मस्जिद में नहीं होगी नमाज। लोग पूर्व में ईद की तरह अपने अपने घरों में करेंगे ईद उल अजहा की नमाज अदा। डीएसपी अजीत कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद और ईदगाह में न जाएं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि लोग भाईचारा और अमन शांति का पैगाम देने वाले हैं, चाहे वो लोग किसी भी समुदाय या धर्म के हों। सभी लोग आपसी भाईचारा के साथ रहने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम के भाईचारा वाले रिश्ते को बदनाम करने के लिए किसी भी प्रकार की उन्माद, असामाजिक तत्व, किसी शरारती लोग पर शिकंजा कसने को लेकर पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाएगा। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचलाधिकारी अरुणिमा एक्का, थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी, भाजपा नेता लक्ष्मण राम, ओम प्रकाश गुप्ता, अमरनाथ पांडे, पूर्व सदर तस्लीम खान, कलाम खान, हजारी प्रसाद, अभय पांडे, फिरदौस आलम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।